हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके टीवी में स्वागत है। आज जो है मैं यूपी पुलिस के लिए प्रीवियस पेपर लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आज जो है जनरल नॉलेज के पेपर, जनरल नॉलेज के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे बताने वाला हूं। आज की क्लास फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आपको यहाँ से देखना है कितने आपने सही अटेंड किए और कितने कर सकते हैं और किस पैटर्न से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। तो फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहिए, चलिए देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, नंबर एक, निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्डन की राजधानी है। तो फ्रेंड्स राजधानी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में, निम्न में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। ए में है जर्क, बी में है इरबिड और सी में है साल्ट और डी में है अम्मान। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा डी, यानी अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है। पिछली बार प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है, यानी फ्रेंड्स मुद्रा से भी प्रश्न यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। ए में है लियू, बी में है तोगरोग और सी में क्यात और डी में है मेडिकल। तो इसका फ्रेंड सही आंसर होगा बी, यानी तोगरोग जो है मंगोलिया की मुद्रा है, क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है, यहाँ से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रश्न पूछा था। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। ए माता इराक, बी माता बांग्लादेश और सी में है जॉर्डन और डी में है इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स एशिया में जो है सबसे अधिक जनसंख्या चीन की, दूसरे नंबर पर भारत आता है, लेकिन भारत अब सबसे अधिक हो जाएगी भारत में, तो तीसरे नंबर पर आता हमारा इंडोनेशिया। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। ए में गुआना, बी में ब्राजील और सी में कोलंबिया और डी में है इक्वाडोर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी ब्राजील जो है दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ए में महानदी, बी में गोदावरी, सी में कृष्णा और डी में कावेरी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी दिवस से प्रश्न भी पूछे हुए प्रश्न है। फ्रेंड्स आपको जो है यू पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए दिवस भी आपको यहां से तैयार करने होंगे। ए में 10 दिसंबर, बी में 10 अक्टूबर और सी में 10 नवंबर और डी में 10 सितंबर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए, यानी 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है। ए में जो है नीदरलैंड, बी में था संयुक्त राज्य अमेरिका, सी में यूनाइटेड किंगडम और डी में जर्मनी। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा ए, यानी नीदरलैंड में जो है द हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस पूछा था, ए में 10 जनवरी को, बी में 15 जनवरी को, सी में 17 जनवरी को, डी में 17 दिसंबर को। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए, 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स आपको दिवस से ही 2 से 3 प्रश्न आपको जो है दिवस से आए हैं, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। ए में है राजा चेलिया समिति, बी में विजय केलकर टास्क फोर्स और सी माता जीएसटी परिषद और डी में है मनमोहन सिंह आयोग। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी जीएसटी जो है किस सिफारिश पर लागू की गई थी, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर लाई गई थी, यहाँ से ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। ए में कोची, बी में नई दिल्ली, सी में बेंगलुरु और डी में चेन्नई। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी बेंगलुरु में जो है भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ए में 26 जनवरी 1950, बी में 24 जनवरी 1950, सी में 15 अगस्त 1950 और डी में 2 अक्टूबर 1950। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 से 7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश से ही है, काला नमक चावल महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है, यानी काला नमक चावल जो है ये किस जिले में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, यानी सिद्धार्थनगर में जो है काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ए में लखनऊ, बी में आता अलीगढ़, सी में एटा और डी में है फैजाबाद। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी,
यानी मकबरे से प्रश्न जो है आपको दो मिलेंगे। यहाँ से ये भी याद रखना है, बहू बेगम का मकबरा पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश से, तो ये फैजाबाद में है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय गायिका को अप्पा जी बुलाया जाता है? ए में है गिरजा देवी, बी में है किशोरी आमोनकर, और डी सी में आता हमारा वसुंधरा कोमकाली, और डी में है हीराबाई बारोडकर। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका ए, यानी गिरजा देवी को जो है अप्पा जी बुलाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के वर्तमान योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से हैं? ए में नागा, बी में है नाथ, और सी में है कालमुख, और डी में है माधव। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी नाथ संप्रदाय से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा नेपाल से लगी है? यानी उत्तर प्रदेश के जो है 7 जिलों की सीमा जो है नेपाल से लगी है, तो इनमें से कौन सा जिला है? ए में गोरखपुर, बी में आता महराजगंज, सी में बलिया, और डी में बस्ती। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, यानी महराजगंज जो है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो नेपाल से सीमा बनाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? ए में गुरु तेग बहादुर, बी में गुरु हर गोविंद, और सी में आता गुरु हर कृष्ण, और डी में आता गुरु गोविंद सिंह। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा डी, यानी गुरु से भी जो है दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। गुरु जो है 10 गुरु हुए हैं, और अंतिम जो गुरु थे वो हमारे गुरु गोविंद सिंह थे, प्रथम गुरु नानक थे। कौन थे? गुरु नानक। यहाँ से ये भी याद रखना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, निम्न से कौन सा कथन सही है? ए में है 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे, बी माता 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, सी माता 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, डी माता 1975 में आपातकाल के समय मोरारी जी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि 1975 में भारत के आपातकाल के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में कौन सा सही मिलन है, यानी सही मिलन ऊर्जा है? ए माता अनुच्छेद 19 ई में संघ बनाने का अधिकार है, बी माता अनुच्छेद 19 बी में किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, और सी माता है अनुच्छेद 19 ए में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, और डी माता अनुच्छेद 19 जी में शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा सी, यानी 19 ए में जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बीमा पूछा है राष्ट्रपति के प्रसाद उपरांत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, और सी में है राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, डी में है 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो फ्रेंड्स में जो गलत होगा डी होगा, क्योंकि 30 वर्ष की आयु नहीं होती राज्यपाल बनने के लिए, 35 वर्ष की आयु होती है। बाकी जो है ये सही है इसमें, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा डी। फ्रेंड्स इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ए में है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह पर, बी में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, सी में राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, और डी में उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा बी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है रेल मंत्री को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सही है? ए में है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बी माता मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बी सी माता फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और डी माता एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स का सही आंसर होगा इसका ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स ये मैंने प्रश्न जो है आपको पिछले प्रीवियस पेपर से लिए हैं, और लगभग संविधान से 5 प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। आर्टिकल से पूछे हुए प्रश्न हैं, तो इसी लेवल से जो आपको तैयारी करनी होगी यूपी पुलिस के लिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।